हाँ जी मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे लास्ट वीडियो में बात हो रही थी प्रमुख जो देशों के शहर हैं वो कौन सी नदी के तट पर है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भारत का राष्ट्रपति, इसके बारे में आज बात करेंगे। और इसके लास्ट में एक पेटी सेट भी डिस्कस करेंगे, जिससे अपना टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का हमारा टॉपिक है वो भारत का राष्ट्रपति, वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला है, तो पहला है भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है वो है अब तक भारत में है वो 17 राष्ट्रपति बन चुके हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो वो है हमारे 17 राष्ट्रपति बन चुके हैं। और हमारे 17वें राष्ट्रपति कौन है, वो है हमारे रामनाथ कोविंद, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो ये फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे 17वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और अब तक 17 राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो चलो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हमारे रामनाथ कोविंद साहब, तथा ये भारत के 17वें राष्ट्रपति हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो वो है 17 राष्ट्रपति बन चुके हैं। और हमारे वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद साहब, वो भारत के 17वें राष्ट्रपति हैं। तो इसी याद करके चलिए, एग्जामों में आगे पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तथा इनका कार्यकाल है वो 12 वर्षों का कार्यकाल है, तथा अब तक जितने भी राष्ट्रपति बन चुके हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो गए वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तथा इनका कार्यकाल है 12 वर्षों का, और जो जितने अब तक राष्ट्रपति बन चुके हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 52। तो आपको एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें एक क्वेश्चन आने की संभावना है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख है वो फ्रेंड्स अनुच्छेद 52 में है, तो इसे याद करके चले। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा वो है 35 वर्ष की आयु चाहिए। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष की आयु चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए है वो 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ। तो इसमें पहला है लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो, दिवालिया या पागल ना हो, भारतीय नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो ये राष्ट्रपति पद के लिए ये कुछ योग्यताएं हैं जो कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाह रहा हो उसमें ये योग्यताएं होनी चाहिए। लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो, दिवालिया या पागल ना हो, भारतीय नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये 4-5 योग्यताएं हैं वो उसमें होनी चाहिए, तभी है वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, कई बच्चे इसमें 4 वर्ष का करके आ जाते हैं, कई 6 का करके आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्षों का ही होता है, तो इसी पर याद करके चलें। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया 5 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये एग्जाम के लिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है, जो कि वर्तमान में रंजन गोगोई है। बाकी सभी पदों में कोई कन्फ्यूज नहीं रहता, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है इसमें बहुत कन्फ्यूज रहता है। तो राष्ट्रपति को शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है, तो इसे याद करके चलिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो अपना राष्ट्रपति त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है, जो कि वर्तमान में कौन है, हमारे वेंकैया नायडू हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, वो देगा उपराष्ट्रपति को, जो कि वर्तमान में वेंकैया नायडू है। तो आप इसे भी याद करके चलें, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है त्यागपत्र से रिलेटेड। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है और किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में वो 12 सदस्य मनोनीत करता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स इसे याद करके चले, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है और किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो फ्रेंड्स इसे भी याद करके चलें, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है और किस अनुच्छेद के तहत। तो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, तो इसे भी याद कर चलें, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है।
क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, तो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। तो इसे याद कर चले, अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर चले। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत याचिका या खारिज माफ कर सकता है। मान लो किसी की मौत की सजा हो या कोई भी प्रस्ताव हो उसको वो खारिज कर सकता है, तो वह अनुच्छेद 72 बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसे याद करके चले। ये है तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति याचिका या खारिज माफ कर सकता है वह अनुच्छेद 72, इसे याद करके चले, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियाँ किसके पास होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो फ्रेंड्स आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास होती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकालीन शक्तियाँ किसके पास होती है, तो वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपातकालीन शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स आपातकालीन शक्तियाँ वो तीन प्रकार की होती है, पहली है अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण, दूसरी अनुच्छेद 356 विधानसभा भंग, तीसरी अनुच्छेद 360 धन संकट। तो फ्रेंड्स पहली है अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण, मतलब कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करता है तो उसके तहत धारा अनुच्छेद है वो 352 लगेगा बाह्य आक्रमण से संबंधित है। और दूसरा है अनुच्छेद 356 वो है विधानसभा भंग, जैसे कि लोकसभा अस्थायी सदन है उसको भंग करने के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाएगा। और तीसरा है अनुच्छेद 360 धन संकट, जैसे विमुद्रीकरण हुआ था तो उसमें अनुच्छेद 360 के तहत हुआ था। तो ये तीन आपातकालीन शक्तियाँ 352, 356, 360 बाह्य आक्रमण, विधानसभा भंग और धन संकट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है फ्रेंड्स राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, हाल ही में जो अभी पीछे एग्जाम में उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि राष्ट्रपति को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को वो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति अपना कार्य सही से ना कर रहा हो या किसी लाभ या लालच में आकर कोई गलत काम कर रहा हो या मतलब राष्ट्रपति पर कोई आपत्ति दर्ज हो, तो राष्ट्रपति को वो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी याद कर चले। तो चलो फ्रेंड्स जो आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति, इसी से रिलेटेड हम एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं, जिसे कि अभी हमने पीछे पूरी बात की है राष्ट्रपति पद के बारे में, वो अच्छे से अपना इस प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएगा। और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि इस राष्ट्रपति पद का जो टॉपिक है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और जो अभी अपना ये पद है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करता हूं, आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स राष्ट्रपति पद का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की है तो इसके लिए 5 सेकंड का समय मिलता है, आप आंसर कमेंट कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 52 में है वो राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, तो इसी याद कर चले, एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति पद के लिए। तो चलो नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो इसके लिए अभी आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत, राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। नेक्स्ट बात करते हैं आज के प्रश्न सेट में, हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर, इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति को शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमारा लास्ट क्वेश्चन है वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति है, इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि जो अपने भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद वो भारत के कौन से राष्ट्रपति है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सो फ्रेंड्स आई होप कि जो आज का हमारा टॉपिक था भारत का राष्ट्रपति ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है, और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।